नमस्कार, IDP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। छत्तीसगढ़ में चल रहे रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बारिश और कड़कड़ाती ठंड ने भी आयोजकों के जोश, दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और उनका जोश पहले की तरह बरकरार है। दो दिन पूर्व छत्तीसगढ़ अंचल में अचानक बारिश ने सभी तरफ बारिश की झड़ी लगा दी थी। खैरागढ़ में भी बारिश ने दस्तक दी थी। खैरागढ़ में चल रहे रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जिस मैदान पर खेला जा रहा था, उस मैदान में पूरी तरह पानी का जमाव हो चुका था। आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य सर्वेश सिंह, आशीष सिंह और उनके साथियों ने मैदान में जमा हुए पानी को निकालने का हर संभव प्रयास किया। विकेट को पूरी तरह से कवर करके रखे मैदान में चारों तरफ लकड़ी के बुरादे और धान की भूसी डाली गए। गीले हो चुके विकेट के स्थान पर अंगार जलाए गए और सुखाने का पूरा प्रयास किया गया। अपने इस मेहनत से मैदान को इस लायक बना दिया गया कि मैदान खेलने योग्य हो सके। प्रतियोगिता में क्रिकेट प्रेमियों का, दर्शकों का जोश, उत्साह, उमंग देखते को बनता है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी रात्रि में होने वाले मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में आने वाले दर्शकों की उपस्थिति ने कड़कड़ाती ठंड को भी मात दे दिया। दर्शक अपनी जोश पूर्ण एवं अनुशासित उपस्थिति के साथ मैच का पूरा आनंद ले रहे थे एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। खिलाड़ी उनकी उपस्थिति से प्रोत्साहित हो रहे हैं तथा बेहतरीन खेल का मुशायरा प्रस्तुत कर दर्शकों को पूरी तरह खुश करते हुए उसका भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। कल के मैच में KCC विरुद्ध RSS भगवा के बीच काफी रोमांचक मैच खेला गया और बहुत नजदीकी मामले में इस मैच का फैसला हुआ। इस मैच को KCC खैरागढ़ ने जीता और KCC के चिंटू बेहतरीन बल्लेबाज का नमूना पेश करते हुए 34 नाबाद रन बनाए और अपनी टीम को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें, इसके पिछले मैच में भी चिंटू मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। दूसरा और रोमांचक मैच खेला गया। रायपुर क्रिकेट क्लब और रॉयल्स के मध्य उतार चढ़ाव भी इस भरे मैच में। रायपुर क्रिकेट क्लब रायपुर ने रावल्स को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। अभी अभी जो मैच संपन्न हुआ है उसमें जो मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं चिन्नू, पहले तो उसको मैन ऑफ द मैच के लिए बधाई देते हैं। फिर उनसे जानना चाहते हैं कि जब मैच वो खेलने के लिए उतरे थे तो क्या उनको उम्मीद थी कि 70 रन के लक्ष्य को वो बहुत आसानी से पार कर लेंगे? हमारी टीम एक अच्छी मजबूत टीम है खैरागढ़ की और बैटिंग लाइन अप भी मजबूत है, तो 70 रन चेस करना यहाँ आसान है। यह दूसरा मैच है चिन्नू जबकि मैन ऑफ द मैच जीते हैं, क्या अपने आप को आप मैन ऑफ द सीरीज के खिताब में काफ़ी आगे लेकर चलते हैं? जी जरूर। आने वाले मैच में आपके इस प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए आप अभी से और क्या मेहनत करेंगे? अभी इस मैच के बाद हमारा अगला मैच है, तो अब मेहनत नहीं, वो जो फॉर्म चल रहा है वो चलेगा। आयोजन के संबंध में आपकी राय जानना चाहेंगे कि राजनांदगांव जिले का ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुचर्चित टूर्नामेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे जो जन अध्यक्ष हैं और भाजीओमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विक्रांत सिंह जी, उनके तत्वाधान से ये लगभग 10-11 साल तो हो गया है चलते, और जो छोटू आदा की टीम है, जो युवा मोर्चा पूरा साथी, सभी एक अच्छा आयोजन है ये और आगे भी चलता रहेगा, मजा आता है यहाँ खेल के। धन्यवाद। रायपुर की ओर से हरफ मौला प्रदर्शन करते हुए कारण ने मैच ऑफ द मैच का खिताब जीता। काफी रन के मामले में कमजोर हो गई थी, 3 ओवर पर केवल 3 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद 6वें और 7वें ओवर में उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की जिसकी वजह से टीम का स्कोर पहुंच गया 65 रन और इसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं। पहले रन बनाने के मामले में 2 छक्के लगाए, 1 चौके लगाए और बाद में 3 विकेट लिए। करण जी, हम आप जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा था कि आप इस मैच को जीत पाएंगे, आपकी टीम इस मैच को जीत पाएगी? हाँ, हम लोग सोच रहे थे यहाँ से कि हम रन तो स्टार्टिंग में कम बनाए थे, पर हम लोग सोच रहे थे कि 50 बन जाए, बाकी हमारे जितने भी बॉलर साथी है सब कर लेंगे, हम लोग मैच जीत जाएंगे, हम लोग इतना हम लोग था भरोसा। इतनी आसानी से मैच जीत जाएंगे इस बात का भी भरोसा था? हाँ, क्योंकि हम लोग सारे खिलाड़ी वैसे है कि जीत जाएंगे, हम लोग इतना कॉन्फिडेंस था कि 50 बनाए तो हमारे सारे प्लेयर मेहनत करके 50 रन को हम लोग सेव कर लेंगे। लेकिन आखिरी के जो बल्लेबाज उनके थे, उन्होंने थोड़ी सी अपनी टीम को एक संजीवनी दी थी, जिस प्रकार से उनके बल्लेबाजी की क्रम गड़बड़ाई है, मैं समझता हूँ कि आप लोग के फायदेमंद रहा। क्या समझते हैं, इस बल्लेबाज को ऊपर भेजना था या ऐसा कभी कभार होता है? ऐसा कभी कभार ही होता है, हमारे बॉलर उनके बल्ले में से ज़्यादा 6 बॉल डाले इसलिए ऐसा हुआ। चलिए, मैच में कहा जाता है कि जो टीम बढ़िया खेलती है, जो टीम अच्छा खेलती है, करीबन विजय उसी का होता है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, रायपुर ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया और उन्होंने इस मैच को जीता और उनके टीम खिलाड़ी करण, आपको एक बार फिर बधाई, सारी टीम को बधाई, धन्यवाद। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज़ पर और हाँ, हम यूट्यूब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।